हेलो गाइस दिस इज़ प्रियंका सिंह इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ गामा फंक्शन के बारे में एंड गामा फंक्शन आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो बी कर रहे हैं एज़ वेल एज जो नेट या जे आर एफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ इसका यूज़ हर एग्ज़ाम्स में होता है जो मैथ्स से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं ठीक है हायर स्टडीज़ में मैथ्स जो लेते हैं उनके लिए तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे गामा फंक्शन उसके बाद हम डिस्कस कर गेंगे द सेकेंड यूलेरियन इंटीग्रल कैसे इवेलुएट कर सकते हैं यूजिंग गामा फंक्शन ठीक है तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो इन दिस वीडियो गामा फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल ओके दिस इज अ सिंबल ये है गामा फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन मतलब अगर गामा फंक्शन है तो उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी डेफिनेशन होती है गामा ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एन गामा एन इस तरह से ये डिफाइन होता है वेयर एन इज ऑल पॉजिटिव वैल्यूज कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है तब आपका ये डेफिनेशन शो करता है दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ गामा ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एन गामा एन ओके आप बोल रहे होंगे कि डेफिनेशन भी गामा पे ही है गामा के डेफिनेशन गामा के टर्म्स में है तो आप इसको चाहें तो फैक्टोरियल के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं देखिए किस तरह से अगर हम यहाँ पे ले लें गामा एन प्लस वन इक्वल टू डेफिनेशन क्या कहती है एन गामा एन यहां पर एन लिखेंगे और इस पे आप फिर अगेन डेफिनेशन अप्लाई करेंगे ये वाली ओके okay? क्या होता है यहां पर जो भी वैल्यू होती है उसमें से एक कम करके आप यहाँ लिखते हैं तो यहाँ एन है तो एक कम करेंगे तो एन माइनस वन गामा एन माइनस वन ये आएगा यूजिंग दिस डेफिनेशन नेक्स्ट अगर आप अप्लाई करेंगे Here, इधर पर अप्लाई करेंगे एन माइनस वन गामा के लिए तो गामा एन माइनस वन की वैल्यू एक कम एन माइनस टू हो जाएगी सो दिस इज एन माइनस टू गामा एन माइनस टू सिमिलरली आप यहाँ अप्लाई करेंगे सो एन माइनस थ्री हो जाएगा एन माइनस फोर ऐसे ही आप अप्लाई करते जाएंगे सो लास्टली आपको क्या मिलेगा यहां पर यहां पर आपका एन माइनस थ्री एन माइनस फोर एन माइनस फाइव एक टाइम ऐसा आएगा कि जो एन की वैल्यू है एन जो भी आपका पॉजिटिव वैल्यू है उससे वो क्या हो जाएगा डिक्रीज होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये फोर थ्री टू वन ऐसा बचेगा ओके okay? वन पे ही स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि आपको यहां बता दें कि गामा वन ओके वैल्यू ऑफ गामा वन इज वन इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं दिस फॉर्मूला ओके, दिस इज फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एन पॉजिटिव वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट करनी है वन से ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरह से तो आप वन के लिए ये अप्लाई करेंगे तो यहां पर ये प्रॉब्लम आएगी कि जीरो गामा जीरो हो जाएगा ओके okay? सो so इसके लिए आप क्या याद रखिए कि गामा वन की वैल्यू कितनी होती है वन ओके नेक्स्ट यहां से देखिए दिस इज दिस इज फैक्टोरियल एन ओके okay? जानते हैं आप फैक्टोरियल आपने पहले ही पढ़ा होगा कि एन फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन सो ऑन फोर थ्री टू वन सिंपल आप अगर आप देखिए फैक्टोरियल एट फैक्टोरियल एट सो दिस इज एट सेवन फाइव फोर थ्री टू वन आपको वन माइनस कर करके लिखना होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में टिल वन तक ओके okay? सो दिस इज कॉल्ड एट फैक्टोरियल ओके सिमिलरली यहां आप देख रहे होंगे दिस इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल तो ये आप यहां से ऑप्टेन कर रहे हैं कि गामा ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल एंड दिस इज ट्रू ओनली फॉर दॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एन ओके ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एज वेल एज आप यहां पर ले सकते हैं यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ अगर आप फैक्टोरियल एट निकालेंगे या फिर गामा ऑफ एट गामा एट की वैल्यू निकालेंगे सो दिस इज इक्वल टू एक कम करना है देखिए एन प्लस वन है तो एक कम करेंगे एट का सेवन सो दिस इज इक्वल टू सेवन फैक्टोरियल और सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन सो so, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज वैल्यू ऑफ गामा एट ओके लेकिन अगर मैं फ्रैक्शन में लू फ्रैक्शन में कैसे ऑड में ठीक है यहां पर ऑड नंबर सपोज फाइव एंड नीचे टू टू फिक्स है नीचे एंड ओपन में ऑड नंबर लू तो इसका फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे इसका गामा कैसे निकालेंगे गामा फंक्शन तो आप यही रूल अप्लाई करिए ये वाला ओके okay? सो so, क्या होगा यहाँ अगर फाइव बाई टू है तो आप एक कम करके यहाँ लिखते हैं सो फाइव बाई टू में से वन माइनस कीजिए कितना आता है दिस इज थ्री बाई टू ओके थ्री बाय टू तो यहां लिखेंगे थ्री बाई टू एंड गामा थ्री बाय टू ये आ गया यूजिंग दिस फार्मूला अगेन आप अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला इस पे गामा थ्री बाई टू पे तो एक कम करेंगे थ्री बाई टू माइनस वन इज इक्वल टू वन बाई टू यहाँ आ जाएगा वन बाई टू गामा वन बाई टू ओके अब आपको क्या चाहिए गामा वन बाई टू जो है इसमें से आपको अगेन माइनस नहीं करना है तो ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस करेंगे तो माइनस वन बाई टू होगा जिसके लिए ये डेफिनेशन नहीं है दिस इज ऑनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एन तो आप क्या करेंगे यहां पर इसकी वैल्यू डालेंगे गामा वन बाई टू की वैल्यू विच इज़ रूट पाए ओके दिस इज फिक्स ये आपको लर्न करना है कि गामा वन बाई टू इज़ इक्वल्स टू रूट पाए तो यहाँ डालेंगे सो दिस इज थ्री बाई टू वन बाई टू एंड हि रूट पाए सो ये वैल्यू जो है दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ गामा फाइव बाई टू सो इस तरह से आप गामा फंक्शन की वैल्यूज निकाल सकते हैं फॉर पॉजिटिव वैल्यूज पॉजिटिव इंटीजर्स ले लीजिए या फ्रैक्शन में ले लीजिए बियर द फ्रैक्शन इज ऑफ ऑड ऑड नंबर न्यूमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में टू है देन यू कैन अप्लाई दिस रूल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा फंक्शन ओके सो ये कुछ बेसिक्स की बात हो गई गामा के लिए आपको लर्न क्या करना है ये डेफिनेशन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ गामा दैट गामा ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एन इन टू गामा एन ओके इसी से निकाल लिया हमने क्या कि गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओके एंड ये गामा वन इज इक्वल्स टू वन गामा वन बाई टू इज इक्वल्स टू रूट पाए ओके और फिर आप इस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं गामा एट गामा फाइव बाई टू जो भी आपसे पूछा जाए नाउ नेक्स्ट कम टू द्वट हमें यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना है ओके okay? हमारा टॉपिक था इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में भी आपका गामा फंक्शन यूज हो रहा है व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी दिस द सेकेंड यूलेरियन इंटीग्रल सेकेंड यूलेरियन इंटीग्रल किस फॉर्म में होता है इस फॉर्म में क्या है इसमें इंटीग्रेशन ऑफ जीरो बाई टू साइन एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स आप देख रहे मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर साइन और कॉस का और पावर्स भी हैं और फिर आपका लिमिट्स जो है वो फिक्स हैं फ्रॉम ज़ीरो टू पाए बाय टू इसके पहले हमने वाली फॉर्मूला पढ़ा है उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में आप देखिए उसमें मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन अगर सिर्फ साइन का पावर है उसका करना हो या सिर्फ कॉज की पावर में है फंक्शन तब करना हो तो और लिमिट्स फ़िक्स हो ज़ीरो टू पाए बाय टू तो आप वालिज़ फॉर्मूला डेफिनेटली लगाइए और वन मिनट में आंसर निकाल सकते हैं कोई भी इंटीग्रेशन का चाहे कितना भी बड़ा पावर हो साइन का या कॉस का ओके नाउ वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो कि अगर मल्टीप्लाई में है साइन और कॉस तो कैसे आप इजीली इंटीग्रल की वैल्यू निकाल सकते हैं सो दिस इंटीग्रल एंड इसकी वैल्यू क्या होती है गामा एम प्लस वन बाई टू इंटू गामा एन प्लस वन बाई टू डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई बाय प्लस एन प्लस टू divided by 2 ठीक है सो दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन ठीक है ये जो इंटीग्रल है इसका फार्मूला है इन टर्म ऑफ गामा फंक्शन तो इसके लिए मैंने ये एक्सप्लेन किया कि आपको ये कैसे सॉल्व करना है यूजिंग दीज फ्यू फार्मूलाज ओके सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है इसमें आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन जीरो टू वन गिवन है एंड एक्स टू पावर थ्री बाई टू वन माइनस एक्स टू पावर थ्री बाई टू डी एक्स प्रूफ करना है इज इक्वल्स टू थ्री पाई डिवाइडेड बाय वन ट्वेंटी एट ओके सो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे सब्सटीट्यूशन करेंगे किस चीज का सब्सटीट्यूशन होगा यहाँ पर यहाँ आप देख रहे हैं वन माइनस एक्स लिखा है एक टर्म जो है इसमें मल्टीप्लीकेशन में एक्स की पावर तो थ्री बाई टू है और साथ में वन माइनस एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू भी है यहाँ पर ओके okay? तो हम क्या करेंगे यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू एक्स की एक्स एज्यूम करेंगे और क्या एज्यूम करेंगे साइन स्क्वेयर थीटा ये होगा हमारा एजेंशन ये की पॉइंट है इस इंटीग्रेशन के लिए अगर आपको ये समझ में आएगा तब आप आगे सॉल्व कर पाएंगे आप सोच रहे होंगे कि हम कॉस को थीटा भी रख सकते हैं येस यू कैन लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी जब आप कॉस थीटा रखेंगे तो ये लिमिट्स जब वैरी होंगी लिमिट्स चेंज होंगी ना ये तो एक्स की लिमिट्स हैं आप थीटा की लिमिट्स निकालेंगे तब प्रॉब्लम आएगी ओके बिकॉज कॉस जीरो कब होता है पाए बाय टू पे हाँ सो so, ये पाए बाय टू नीचे आ जाएगा और कॉस वन कब होता है जीरो पे सो so, पाए बाय टू नीचे होगा और जीरो पर लिमिट चेंज हो जाएंगे हमें क्या बनानी है जीरो टू पाए बाय टू तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं तो हम वही बनाने की कोशिश करते हैं इसलिए हम एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं साइंस स्क्वे थीटा ओके सो so, सबसे पहले हम एल एच एस लिख लेते हैं बिकॉज यहां पर हमें प्रूव करना है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस ये है एल एच एस आपका इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू वन एक्स टू दावर थ्री बाई टू वन माइनस एक्स टू दावर थ्री बाई टू डी एक्स क्लियर दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इंटीग्रल अब इसमें हम पुट करते हैं लेट एस सपोज एक्स इज इक्वल्स टू साइंस स्क्वेर थीटा ओके दिस इज अवर एजम्शन और या फिर हम कह सकते हैं हमें सब्सटीट्यूट करना है इस के बाद होता है आपको फाइंड डीएक्स करना डीएक्स बिकॉज ये भी तो चेंज करेंगे आप डीएक्स भी तो चेंज करेंगे थीटा के टर्म्स में सो so, डीएक्स कितना आएगा पहले पावर का डिफ्रेंसीएशन टू की पावर का तो टू आगे होगा और एक पावर कम होगी तो वन थीटा बचेगी ओके एंड साइन का डिफ्रेंसीेशन कॉस थीटा एंड थीटा का हो जाएगा डी थीटा ओके सो दिस इज डी एक्स वैल्यू ऑफ डी एक्स नेक्स्ट आपको लिमिट्स चेंज करनी है दिस इज द लिमिट ऑफ एक्स सो वेन एक्स इज जीरो सो थीटा इज यहाँ आप जीरो पुट करेंगे सो जीरो इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर हट जाएगा ओके okay? तो ये जीरो इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा एंड साइन थीटा इज ज़ीरो वेन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो सो यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है जीरो ओके वेन एक्स इज जीरो थीटा इज ज़ीरो नेक्स्ट इज न एक्स इज वन ओके अपर लिमिट क्या है इसकी वन एक्स अगर वन है तो आप वन डालेंगे वहाँ पर एक्स की वैल्यू तो वन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा देन वन इज इक्वल टू साइन थीटा एंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ थीटा थीटा साइन थीटा की वैल्यू वन कब होती है पाई बाई टू साइन पाई बाई टू इज ओके साइन पाई बाय टू इज वन साइन नाइन्टी डिग्री इज वन सो थीटा इज पाई बाय टू क्लियर सो ये आ गई आपके लिमिट्स थीटा के टर्म्स में अब आप पूरा इंटीग्रल चेंज कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ थीटा लिख दीजिए दिस इज लोअर लिमिट इज जीरो एंड अपर लिमिट इज पाई बाय टू एंड एक्स की वैल्यू डालेंगे यहाँ पर साइन स्क्वे थीटा टू दावर थ्री बाई टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा पावर थ्री बाई टू नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ डी एक्स डी एक्स इज टू साइन थीटा कॉस थीटा एंड डी थीटा कंप्लीटेड ओके ये आपका इंटीग्रल आ गया है थीटा की टर्म्स में अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी विच आइडेंटिटी यहाँ पर हमें लगानी पड़ेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है देन दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा उसके पहले यहां देखिए ये स्क्वायर और ये डिवाइडेड बाय टू ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा सिंपल साइन क्यूब थीटा सिमिलरली यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर का ये डिवाइडेड बाय टू कैंसिल होगा तो सिर्फ बचेगा आपके पास कॉस थ्री थीटा दिस इज टू साइन थीटा टा डी थीटा हियर टू इज कॉन्स्टेंट टेकन एट आउट साइड बाहर ले आते हैं इसको और अंदर देखिए पावर कितनी हो गई थ्री प्लस वन फोर एंड कॉस की पावर भी थ्री प्लस वन फोर क्लियर नाउ कंपेयर दिस विद दल यहां देखिये जीरो टू फाइव बाई टू साइन फोर थीटा कॉस फोर थीटा डी थीटा क्लियर इसको हम इससे कंपेयर करेंगे तो जीरो टू पाई बाई टू साइन एम थीटा कॉस एन थीटा डी थीटा यहाँ पर एम की वैल्यू फोर है एन की वैल्यू भी फोर है ओके तो जब आप इसको उस फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो फोर आ रही हैं दोनों वैल्यूज और ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे गामा फंक्शन के टर्म्स में तो ये कितना होगा गामा ऑफ फोर प्लस वन बाई टू गामा फोर प्लस वन बाई टू डिवाइडेड बाई टू गामा फोर प्लस फोर प्लस टू बाय टू क्लियर ये लगा दिया हमने गामा फंक्शन अब ये वैल्यूज देख लेते हैं कितनी आती हैं देखिए टू से टू कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सो दिस इज फोर प्लस वन फाइव बाई टू गामा फाइव बाई टू नेक्स्ट अगेन गामा फाइव बाई टू एंड डिवाइडेड बाय फोर प्लस फोर एट एट प्लस टू टेन टेन बाई टू टेन बाई टू मीन्स फाइव सो दिस इज गामा फाइव क्लियर नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू कैलकुलेट दिस गामा फाइव बाई टू की वैल्यू एंड गामा फाइव की वैल्यू तो गामा फाइव बाई टू के लिए आप कौन सा रूल अप्लाई करेंगे आपको मैंने बताया था गामा एन इक्वल टू होता है n गामा n, gamma n. ओके okay, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है मैं आपको यहां लिख देती हूँ जो बेसिक से फॉर्मूलाज़ हैं जो आपको लर्न करने हैं फॉर द गामा फंक्शन फर्स्ट इज गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन गामा एन सेकेंड इज गामा एन प्लस वन इज एन फैक्टोरियल थर्ड इज गामा वन इक्वल टू वन एंड फोर्थ इज गामा वन बाई टू इक्वल टू रूट ओके दिस इज द लिस्ट ऑफ़ फार्मूलाज विच यू हैव टू लर्न फॉर दी गामा फंक्शन फोर फार्मूलाज है सिंपल से अब इनको अप्लाई करते हैं फाइव बाई टू के लिए गामा फाइव बाई टू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये एक कम होता है फाइव बाई टू माइनस वन होता है थ्री बाई टू सो दिस इज थ्री बाई टू एंड गामा थ्री बाई टू आप चाहें तो यहाँ सेपरेटली हम इसको निकाल सकते हैं गामा फाइव बाई टू निकालने के लिए अभी यहाँ पे एक कम करेंगे तो ये होगा थ्री बाई टू गामा थ्री बाई टू अगेन थ्री बाई टू गामा थ्री बाई टू में फिर से आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक कम करेंगे वन माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा वन बाई टू गामा वन बाय टू और थ्री बाई टू वन बाई टू और गामा वन बाई टू की वैल्यू कितनी है रूट पाए सो दिस इज रूट पाए सो so, ये आपकी वैल्यू आ गई गामा फाइव बाई टू की तो यहाँ डाल देते हैं वन बाई टू रूट पाए सिमिलरली यहाँ भी अप्लाई कर देंगे सो थ्री बाई टू वन बाई टू रूट पाए एंड नीचे फाइव गामा फाइव है ओके okay? सो so, गामा फाइव आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं फोर फैक्टोरियल के इक्वल होगा तो फोर थ्री टू वन अब कैंसिल हो रहा है तो थ्री से थ्री कैंसिल हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है कैंसिल तो पाई इंटू पाई इज पाई टू टू ज़ा फोर फोर टू ज़ा एट एट टू ज़ा सिक्सटीन ओके एंड सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाय सिक्स विच इज़ वन ट्वेंटी एट एंड ये थ्री सो दिस इज इक्वल टू आर एच एस यही था आपका आर एच एस मैंने अभी रब नहीं किया था उसको देखिए दिस इज थ्री पाई बाई वन ट्वेंटी एट सो यही हमारा आर एच एस आ चुका है ओके सो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ गामा फंक्शन हमने ये फॉर्म निकाला और यहाँ पर लगा दिया फार्मूला और आंसर हमारा आ गया सो so, इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्म में जिनका हम अप्लाई कर सकते हैं अगर साइन और कॉस का मल्टीप्लिकेशन हो और पावर्स मतलब इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो ज़ीरो टू पाई बाई टू हो तब आप अप्लाई कीजिएगा ये फॉर्मूला